हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए लेके आया एक और ड्रैग रेस। एक तरफ है ट्यून्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर और दूसरी तरफ है ट्यून्ड होंडाई क्रेटा। दोनों गाड़ियाँ ट्यून्ड है भाई, और एक मैनुअल है एक ऑटोमेटिक है, दोनों डीजल में आती हैं। तो बुलाते हैं इनके ओनर्स को जल्दी से और फिर पूछते हैं इनके पावर स्पेक्स। क्या हाल है भाई जी? बहुत बढ़िया, आप बताइए। भाई हैं क्रेटा के ओनर और इधर है तुषार भाई फॉर्च्यूनर के ओनर। तो भैया पावर स्पेक्स क्या है आपके? 165 335 Nm टॉर्क। अच्छा जी। और बाकी स्टेज 1 ट्यून्ड है, क्वांटम परफॉर्मेंस का रिमैप हो रखा है, रेड जोन में आप। अच्छा जी। हमारी वाली में भैया जीटी का ओईएम प्लस का ट्यून है, इसमें 210 हॉर्स पावर 510 का टॉर्क है। तो आपको कौन सी लग रही है, कौन सी निकलेगी? क्रेटा ही निकलेगी, तो पावर टू बैटरी से अच्छा है ना। कितने किलो की गाड़ी है अराउंड अराउंड? ये होगी 1350 मोटा मोटी, 1400 भी ले लूंगा। हां 1400 ले लेता हूं, तो वो भी 2400 2300 किलो की गाड़ी। हां, और आपको क्या लग रहा है भैया? 2150 85। इसका लॉन्च बहुत बेटर होगा मेरी वजह से। लॉन्च तो बेटर होगा, वो आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव होगी ना भाई? ट्रैक्शन लूज होता है काफी, आप ट्रैक्शन ऑन में चलाओगे गाड़ी बेटर होगा। ऑफ में तो ऑन में करके भी पावर तो जाती होगी ना। ये भी मजबूरी है, ये भी है, ये मजबूरी है। कोई नहीं, करते हैं भैया। चलो भाई करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो शुरू करते हैं पहला राउंड। आ गए हैं फॉर्च्यूनर में मैं और तुषार भाई जी भैया, और दूसरी तरफ भी दो हैं, तीसरे भाई हैं, दूसरे भाई का मेरे को नाम नहीं पता है, लक्ष्य भाई, जिनकी क्रेटा है। तो करते हैं राउंड वन शुरू, फिर देखते हैं क्या। भाई आप क्या रखोगे? भैया बस पावर मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल 4x2 पे रखेंगे। 4x2 पे? हाँ जी भैया। पहला राउंड 4x2 पे कर लेता है, अगर हार रही होगी तो 4x4 भी कर लेंगे, क्योंकि बताऊँ क्या चक्कर है, 4x4 में लॉन्च तो अच्छा हो जाएगा, टॉप एंड में गाड़ी टॉप एंड में जैसे टॉप एंड में बस 100 120 के बाद एक गाड़ी दब जाएगी। पावर मोड 4x2 ट्रैक्शन ऑफ। चलो भाई पहाड़ की टेंट भाई हो ही ना रही, शिफ्ट ही ना मार रही। अरे भाई ट्रैक्शन लूज मार रही है, गियर नहीं बदल रही है, कैक्सू 700 वाला लफड़ा हो गया। ट्रैक्शन ऑन कर ले, ट्रैक्शन ऑन करके भगा ले भाई। भाई वैसे वैसे आप लोग एक बात बताओ, आप उधर से कर लो, क्योंकि ये रोड जो है ना इधर की, क्या इस वाली पे कर ले? नहीं, उस वाली पे कर लो, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो उस पे कर लो, वो सबसे बढ़िया ट्रैक है भाई, वहाँ पे ना ट्रैक्शन इतना लूज करता ना। चलो तो गाइस राउंड ऑन होने जा रहा है हमारी कार का। अब की बार निकलेगी भाई, यहाँ ट्रैक्शन तुम्हारे को नहीं होना, और काफी पीछे रहेगी भाई। 100 नहीं पकड़ रही है, वो गाड़ी पकड़ रही है, बट ड्रैग ले लेगी, ड्रैग ले लेगी गाइस। ड्रैग विनर हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। 125-30 के बाद उसने क्रॉस करा है, ड्रैग विनर हो गई ना भैया। चलो ब्रेक ले रहे हैं, पर जो निकली है ना भाई गोली की तरह निकली है, 125-30 के बाद भाई साहब। पावर टू वेट रेशियो भी तो है ना भैया, वो गाड़ी बहुत फास्ट है अपने उसके हिसाब से, तेज है भाई वो किया सेल्टा उसकी तरह ही है, सेम वही है भाई। सही में टैंक लिखवा रखा भी अच्छा। बाकी वैसे पूछ आप करके देखते हैं, बाकी मेरे आप चलो क्रेटा को ही वोट है कि क्रेटा जीतेगी। तो गाइस पहला जो राउंड था ना वो अपनी इस फॉर्च्यूनर जीत गई थी, और क्रेटा हो गई थी गर्म, तो अब उसको थोड़ा टाइम दे के हम सेकंड राउंड कर रहे हैं। तो करते हैं सेकंड राउंड शुरू। राउंड होने जा रहा है लॉन्च में, फिर तो निकल वो गाड़ी का इस बहुत ट्रैक्शन लूज करती है, बट इस बार जल्दी पकड़ लेगी, जाते मेरे को लग रहा है 80 100 गाइस ड्रैग जीत गई, ड्रैग भाई क्रेटा लेके अब की बात, बगैर बाद में गाड़ी भगाने का कोई फायदा नहीं, ड्रैग जीत गई। हाँ भैया 4x4 दूसरा सेकंड राउंड क्रेटा जीत गई भाई, 110 पे निकल गई थी। मैं करा भैया करा देंगे। तो गाइस राउंड 2 में क्रेटा जीती है, अब हमने 4x4 लगा दिया अपना कार का, एसी ऑफ है, ये लगा 4x4 भाई, ट्रैक्शन ऑफ, हाई 4 में लग रखी है गाड़ी हमारी। राउंड 3 होने जा रहा है, अब करो शुरू, करवा दो 3 2 1 भाई व्हील स्पिन उसका भाई, सेकंड गियर में बहुत तगड़ा व्हील स्पिन उसमें है, तो बस ये एग्रेसिव लॉन्च ले सकती है, बट एंड में जाके 100 पे दब जाएगी, दब जाती है भाई 100 में, 4x4 का ये तो है। अब देखो कितना धीरे धीरे हो गई, बहुत स्लो जा रही है भाई,
4x4 में बहुत स्लो हो जाए भाई, बस लॉन्च का फायदा ले सकती है भाई। स्कूटी 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 गाड़ी 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 स्कूटी स्कूटी भाई। इस राउंड में भी क्रेटा विनर थी क्योंकि हमने लॉन्च पूरा नहीं किया था ना भाई। कोई नहीं भैया, एक ही बात है, क्रेटा को ऑफिशियल विनर मानते हैं हम। अब की बार गई भाई वो भाई, सेकंड गियर में भी इतना तगड़ा व्हील स्पिन मार रही है, बट वही 100 पे वो गाड़ी क्रॉस करती है। ये सिर्फ 100 तक ही भैया 4x4 में आगे रह सकती है, 100 तक ही रहती है वो भाई। उसके बाद गैप, हमने ब्रेक ले लिए, वो धुमा भी तो ऐसा फेंक के जाओ भाई, ध्यान देंगे वो गाड़ी बहुत फास्ट है। बस एक ड्रैग का ही हमें चेक करना था, पोटेंशियल को फायदा नहीं, वो विनर है ऑब्वियसली, उसी को विनर मानते हैं इस ड्रिप में। उसमें बहुत पावर है भाई, बहुत पावर है उसका, पावर ठीक ही है बट वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से ज्यादा ना भाई। वही उस वाला किया सेल्टोस वाला सीन, किया सेल्टोस वाला सीन, किया सेल्टोस में भी किया सेल्टोस जीत गई थी, ये नहीं जीत पाई उससे ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी। तो भाई आपने देखे लिए सारे चार के चार राउंड, राउंड तो काफी सारे हो गए थे भाई, क्योंकि कभी व्हील स्पिन ज्यादा हो जा रहा था, दोनों गाड़ियां ट्यून है भाई, बहुत ज्यादा व्हील स्पिन कर रही थी, कभी कोई आगे निकल जा रही, कभी कुछ हो जा रहा, एक बार क्रेटा हीट भी हो गई थी तो इसलिए थोड़ा मतलब उसको रेस्ट देना पड़ गया। पहले राउंड में क्रेटा हीट होने की वजह से टोयोटा फॉर्च्यूनर निकल गई थी 125 तक आगे थी, 125 के बाद वो फिर भी आगे निकल गई, लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा उसको रेस्ट दिया तो भाई वो 100 पे 110 पे पकड़ रही है। और भाई क्योंकि वो भी 100 110 पे तक भी इसलिए वजह से रह रही थी पीछे, क्योंकि उसमें भाई व्हील स्पिन सेकंड गियर में बहुत तगड़ा, मतलब इतनी तगड़ी चिल्ली मार रहा है सेकंड गियर में भी, पता ना के आ गया वो। तो भाई इन दोनों की ड्रैग रेस की विनर क्रेटा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।